हेलो स्टूडेंट्स आज की ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंट आज हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे आइसलैंड इकोलॉजी एंड टूरिज्म पॉल्यूशन रिलेटेड टू टूरिज्म सॉलिड लिक्विड वेस्ट फ्रॉम टूरिस्ट डेस्टिनेशन ओके फर्स्ट पढ़ते हैं हम आइसलैंड इकोलॉजी एंड टूरिज्म ओके आइस लैंड आइसलैंड की बात करते हैं आइसलैंड कैसा एरिया है जो कि मेन लैंड से डिफरेंट है कुछ डिस्टेंस पे है ठीक है और जिसके चारों ओर वाटर पाया जाता है एंड इकोलॉजी इज वॉट द स्टडी ऑफ इको लेकिन हम कहाँ की पढ़ रहे हैं आइसलैंड की पढ़ रहे हैं तो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम ऑफ आइसलैंड तो इट इज द आइसलैंड इकोलॉजी ओके एंड विथ रिस्पेक्ट टू टूरिज्म ओके स्टार्ट करते हैं आइसलैंड इज ए एनी एरिया ऑफ लैंड दैट एंटायरली सराउंडेड बाय Water. Okay. This is surrounded by water. And the different land far away from mainland. Okay. The it is occur in uh, ocean, lakes, or rivers. Okay. A group of island is called as an archipelagos. Okay. Now the island have two types: continental island and oceanic island. तो अभी हमें ये पढ़ना है टूरिज्म के रेस्पेक्ट के अंदर तो आइसलैंड एक ऐसी प्लेस है जो क्या है दैट इज पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड अट्रैक्टिंग अट्रैक्टिंग टूरिस्ट नंबर्स फार एक्सीडिंग देयर द परमानेंट पॉपुलेशन ठीक है तो आइसलैंड क्या ऑफर करता है ए डिग्री ऑफ एक्जोटिसम ठीक है और हम बात कर सकते हैं एक्सक्लूसिविटी टू ए ट्रिप यूनिक कल्चर एंड नेचुरल हैबिटेट टिपिकली हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इंक्रीज विजिटर अराइवल एंड द टेम्पररी वर्कर्स अलोंग विद द टूरिज्म इंड्यूज इंक्रीज इन परमानेंट पॉपुलेशन ठीक है तो इश्यूज़ दे आर रिलेटेड विथ Iceland that is the environmental impact, waste disposal, conservation of biodiversity. These all are more sensitive with the Iceland. Iceland may also be more exposed to the greater volatility and in the future. To the effects of global climate and environment change. Okay. For example, human induced climate change. Okay. Sea level rise, more frequent and extreme weather events, coral bleachings, coastal erosion, changing precipitation pattern etc. ठीक है तो आइसलैंड क्या प्रोवाइड करता है ए कन्फाइंड नेचुरल सिस्टम एक पर्टिकुलर एरिया तक ही वो सीमित है जो ठीक है टू स्टडी द सिस्टम डायनेमिक एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इन पर्टिकुलर तो जब एक स्पेसिफिक एरिया तक सीमित है तो हम बहुत आसानी से वहां पे ह्यूमन इम्पैक्ट की स्टडी कर सकते हैं टूरिज्म रिकॉग्नाइज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नल ठीक है इन द आइसलैंड एनवायरमेंट बॉन्डेड ऑफ बॉन्डेड नेचर ऑफ आइसलैंड एंड देयर टूरिज्म सिस्टम इस कॉल्ड नेचुरल लेबोरेटरी ठीक है ये बॉन्डेड एरिया है और हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं आसानी से तो ये क्या है एक नेचुरल लेबोरेटरी है फॉर द ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी ऑफ टूरिज्म इम्पैक्ट टूरिज्म असेंशियल पार्ट ऑफ लोकल इकोनॉमी प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड फॉरन एक्सचेंज एंड अनेबलिंग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग दोज आइलैंड नॉट मोर डेस्टिनेशन सो ऐसे आइलैंड जिनमें ज्यादा डेस्टिनेशन नहीं है तो टूरिज्म क्या करेंगे दे सपोर्ट इन डायरेक्टली ओके कैसे नेशनल लेवल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या पे करेगा टैक्स पे करेगा तो टैक्स बेनिफिट हो रहा है इससे टूरिज्म ने क्या क्या इनडायरेक्टली सपोर्ट करा यू एंड डब्ल्यू टी ओ ठीक है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है दे प्रमोटिंग द टूरिज्म एज मीन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइजलैंड ओके आइज डेस्टिनेशन दे प्रमोट द फ्यूचर टूरिज्म डेवलपमेंट ठीक है कैसे करेंगे चेंज इन द टूरिज्म पैटर्न एंड फ्लो ठीक है द सर्वस बोथ द इन बाउंड टूरिस्ट मार्केट एज वेल एज द लोकल पॉपुलेशन एंड बिजनेस ठीक है तो ऐसे कंडीशंस के लिए एज एन डेस्टिनेशन में क्या चीज जरूरी है दैट इज सस्टेनेबिलिटी ओके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स Effects of tourism mobility as well as the potential social and economic impact of any loss of that mobility in terms of infrastructure use and economic contribution. The relationship between tourism and island development. They create the management dilemmas at the various scale. Okay, tourism can lead to undesirable socio-economic and environmental changes which also bringing some of the benefits of modernization to Iceland communities and reducing their relative isolation. It is highly likely that Iceland will remain a natural laboratory for examining such dilemmas of tourism development for many years to comes. Okay, next our topic is pollution related to tourism. Okay, the uh, everyone wants holidays hai? and they love holiday hai? and they move as a tourist. और जब हम टूरिस्ट के साथ जैसे जाते हैं तो हम भूल जाते हैं अपने सारे वर्क और सारी प्रॉब्लम्स ठीक है तो सम टूरिस्ट जो कि एग्जॉटिक सिटी की ओर जाते हैं कॉज द मोर प्रॉब्लम कैसे द क्रिएट द नेगेटिव इंपैक्ट टूरिज्म ऑन एनवायरमेंट ठीक है द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम दे एस्टिमेट 4.8 मिलियन टन्स यानी अप्रोक्सीमेट फोर्टीन परसेंट दे प्रोड्यूस सॉलिड वेज ठीक है इन ईच ईयर सोली बाय टूरिस्ट ठीक है डेस्टिनेशन मोर रूरल इन नेचर हैव लो नंबर ठीक है ऐसी कंडीशन में दे इंक्रीज द टूरिज्म कोई सा भी सीजन हो चाहे विंटर हो या समर हो ठीक है और इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है टूरिस्ट एट दे लैक फैमिलरिटीज वहां पे कोई भी फैमिली उनके साथ नहीं है दे सो दे अब ऐसी कंडीशन में वो क्या हो रहा है एक इम प्रॉपर तरीके से वेस्ट को क्रिएट करें दे टर्न लीड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि ग्राउंड वाटर हो गया सॉइल कंटेमिनेशन हो गया एक्सेट्रा ओके okay. तो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पेशली इन कोस्टल एरिया द एक्सट्रीमली डैमेजिंग इफेक्ट ऑन बोथ द लोकल लैंडस्केप एंड मराइन एनवायरमेंट ठीक है एक स्टडी बता रही है यूनोमिया रिसर्च काउंसलिंग के द्वारा जो की गई है उन्होंने बताया है कि आ, हर साल 12.2 मिलियन टन्स प्लास्टिक की एंट्री होती है ठीक है ये टूरिज्म की वजह से जिसमें क्या होता है ऐसी प्लास्टिक एंट्री जिसमें बॉटल्स हैं या फूड पैकेज के जो मटेरियल्स हैं, वो उसके अंदर शामिल हैं। तो टूरिज्म के नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, ठीक है ठीके? एक कंपनी है जो कि क्या कर रही है प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है और हम कंज्यूम उसे कंज्यूम कर रहे हैं और कंज्यूम करने के बाद हम क्या कर रहे हैं उसे वेस्ट के जैसे पर फेंक रहे हैं ठीक है ठीक है और इन वेस्ट का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं कई बार रॉ मटेरियल्स को काम में ले लिया जाता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है और क्या होता है जब टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं तो अधिकतर जो टूरिस्ट है इन्हें वेस्ट के जैसे फेंक देते हैं या थ्रो कर देते हैं ठीक है अब ये वेस्ट किस फॉर्म में हो सकते हैं पेपर भी प्लास्टिक भी मेटल्स भी ग्लास भी ह्यूमन और एनिमल वेस्ट हो सकते हैं और बोट हो सकते हैं अंडरस्टैंड ठीक है तो ये कई तरह के पॉल्यूशंस को क्रिएट करते हैं ठीक है हम देखते हैं कुछ पॉल्यूशंस जो कि टूरिज्म रिलेटेड पॉल्यूशन है या टूरिज्म की वजह से हुए हैं एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं टूरिज्म एज ए वैटल कॉन्ट्रीब्यूटर ग्लोबल इन ग्लोबल इकोनॉमी ठीक है दे कंसीडर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज हम चाहते हैं कि टूरिज्म जो है वो एक बहुत अच्छे वैटल कॉन्ट्रीब्यूटर है जो कि क्या कर रहा है कि इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है इफ द कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबिलिटी डायरेक्शन दे मर प्रमोट द कल्वर हैरिटेज कंजर्वेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू नेचर प्रिजर्वेशन ठीक है ऑन नेगेटिव इम्पेक्ट क्या है वैन द लेवल ऑफ विजिटर यूज इज ग्रेटर देन द केपेबिलिटी ऑफ द एन्वायरमेंट टू कोप विथ दिस यूज ओके फॉर एग्जाम्पल इन मराइन एरिया टूरिस्ट ठीक है अब मेराइन एरिया में टूरिस्ट एक्टिविटी हुई डाइविंग हुआ ठीक है क्रूशिंग हुआ ठीक है एंड दे कॉज द डैमेज ऑफ फ्रेज़ाइल इको ठीक है अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा किसको? कोरल रीफ को ठीक है क्या कर रही है जो विच आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय सीओ टू इमिशन ड्यू टू चेंज इन दी एच वैल्यू ऑफ सी वॉटर क्या हो रहा है कोरल ब्लीचिंग अदर नेगेटिव इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म इज ऑन क्लाइमेट ठीक है क्लाइमेट थ्रू सो कॉल द ग्रीन हाउस गैस इमिशन ठीक है तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी हो रहा है हम बात करेंगे आपकी कैसे हो रहा है ठीक है आईपीसी है उसने रिपोर्ट किया की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो रही है और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस हो रही है ठीक है और एक जर्नल एस्टिमेशन जो निकाला गया है कि 5 परसेंट ग्लोबल सू टू मिशन सिर्फ टूरिज्म की वजह से होता है तो ग्रीन हाउस मिशन क्या करती है क्लाइमेट चेंज करती है और कई बार क्या होता है क्लाइमेट के साथ साथ दूसरे सेकेंडरी इफेक्ट है वो भी क्रिएट करती है जैसे कि कोस्टल एरिया सरफेस टेम्परेचर राइज हो रहा है सी लेवल बढ़ रहा है चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है प्रेसिपिटेशन हो रहा है या आप बात करें बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है ठीक है तो चेंजेस थ्रेटन द क्वालिटी ऑफ डेस्टिनेशन विच इज एट द कोर ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट ओके अब क्या हो रहा है कि डिपार्चर हो रहा है या अराइवल हो रहा है हर कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं uh, फ्यूल को कंजर्ब कंजप्शन कर रहे हैं ठीक है अब चाहे आप एरोप्लेन से जाए एरोप्लेन से जाए चाहे आप कार से जाए ट्रेन से जाए बस से जाए यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है ठीक है आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और डेस्टिनेशन पे भी हम क्या यूज कर रहे हैं एक तरीके से फ्यूल कंजम्पशन कर रहे हैं हीटिंग या लोकल मोबिलिटी सैनिटरी वाटर या फिर हम यू कहें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करें अप्लायंस यूज करें एसी यूज करें अल्टीमेटली आप इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर यहां पे सीयू so टू को इमिट कर रहे हो तो दिस इज द डिफरेंट फेजेस ऑफ टूरिज्म इम्पैक्ट ओके तो ट्रांसपोर्ट बाय एयर रोड और रेल दीज आर इंक्रीजिंग एंड राइजिंग द नंबर ऑफ टूरिस्ट ठीक है तो अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉल्यूशन की नॉइस पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन फ्रॉम एयर एयरप्लेन कार बस एज वेल एज रिक्रिएशनल वेकल्स सच एज स्नो मोबाइल एंड जेट स्केट इज ए प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न लाइफ ओके इन एडिशन टू कॉजिंग एनॉयस स्ट्रेस एंड even hearing loss for human, it cause the distress uh, to wildlife, especially in sensitive area. okay, now solid waste pollution, इसके अंदर हम पढ़ते हैं, solid waste को throw किया जा रहा है, ठीक है, और large amount में कर रहे हैं, कि इसी area के अंदर tourism activity हो रही है ठीक है और बहुत हाई कंसेंट्रेशन पे टूरिज्म एक्टिविटी हो रही है जब हाई कंसंट्रेशन पे हो रही है तो क्या होंगे बहुत ज्यादा वेस्ट डिस्पोजेबल होगा और जब वेस्ट डिस्पोजिबल होगा तो ये सीरियस प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा ठीक है द इम प्रॉपर डिस्पोजिबल द मेजर डिस्पोइलर ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट इज रिवर सिनेक एरिया रोड साइड ठीक है अब एक शिप है और इस शिप ने एक जनरल एस्टिमेशन निकाला है ठीक है कैरिबेंस uh, के अंदर और उन्हें बताया एस्टिमेट टू प्रोड्यूस द मोर देन सेवेंटी थाउजेंड टन ऑफ वेस्ट ईच डे बाय टूरिस्ट ठीक है सॉरी ईच ईयर बाय टूरिस्ट तो सॉलिड वेस्ट कैन डिग्रेडेड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द वॉटर एंड शोर लाइन एंड कॉज द डेथ ऑफ मेराइन एनिमल ओके एंड इन माउंटेन एरिया द ट्रैकिंग टूरिस्ट दे जनरेट ए ग्रेट अमाउंट ऑफ वेस्ट ठीक है तो इस तरीके से सॉलिड बेस्ट के थ्रू भी क्या हो रहा है पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है टूरिस्ट लीव द बिहाइंड ओके जो ट्रेकिंग पे जाने वो अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं गार बेस कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर इवन यहाँ तक कि campaigning equipment also the such practice degrade the environment with all the detritus type typical of the developed world in remote area that have few garbage collection or the disposable facilities ठीक है तो सॉलिड वेस्ट भी एक तरह का पॉल्यूशन है सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन जो कि टूरिज्म के द्वारा क्रिएट हो रहा है बात करते हैं हम सीवेज पॉल्यूशन की सीवेज पॉल्यूशन ठीक है होटल रिक्रिएशनल और अदर फैसिलिटीज वो करती है सीवेज पॉल्यूशन वेस्ट वाटर को ड्रेन कर दिया जाता है सी में लेक में ठीक है और अल्टीमेटली होता क्या है वहां का फ्लोरा फोना जो है वो फेक्ट होता है स्विच रन ऑफ दे कॉज सीरियस डैमेज ओके टू कोरल रीफ बिकॉज इट कंटेन द लॉट्स ऑफ न्यूट्रिय ठीक है दे स्टमुलेट द ग्रोथ ऑफ एलगी, ठीक है विच कवर द फिल्टर फिडिंग कोरल्स एंड हाइड्रिंग देयर द एबिलिटी टू सर्वाइव ओके चेंजेस सैलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी सो सीवेज पॉल्यूशन कैन थ्रेटन द हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स ठीक है तो इस तरीके से हमने देखा कि कितने सारे पॉल्यूशंस हैं जो कि इनके द्वारा क्रिएट होते हैं अब तो हम बात करते हैं कि अगर ये सारी चीजें होती रहेंगी तो सस्टेनेबिलिटी कैसी होगी ठीक है तो सस्टेनेबल बेस मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है तो इस टॉपिक को हम इसके साथ पढ़ेंगे जरूर लोकल all ऑल द टूरिस्ट सिटीज दे हैव टू को the अमाउंट ऑफ वेस्ट caused बाय टूरिस्ट ठीक है एक एग्जाम्पल है हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है बर्जिन और जो कि नॉर्वे की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है और तो द बर्जिन इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन अंडरग्राउंड वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ठीक है तो एक ऐसा सिस्टम उन्हें क्रिएट किया जो कि कैसा है अंडरग्राउंड है ठीक है Uh, and that is called the bosnet to help maintain it's the uh, uh, medieval city center okay? this network of vacuum pipe is uh, being constructed under the city center allow allow waste to transport to the outskirts okay, sorted and the process okay? तो क्या हो रहा है कि इधर या तो वो रिसाइकिल होने के लिए चले जाते हैं ठीक है या फिर अगर उनको काम में लिया जा सकता है कि उनसे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है तो सिटीज के लिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है ठीक है बाय मूविंग वेस्ट अंडरग्राउंड सिटी बिलीव रिस्क ऑफ फायर पेस्ट प्रॉब्लम्स लिटर नॉइज एंड दि प्रेजेंस ऑफ वेस्ट व्हीकल कैन ऑल बी रिड्यूस ठीक है तो एक अच्छा सिस्टम है जो कि उस कंट्री ने सिटी ने करा है ठीक है सो इट इज एटोमेटिक ऑटोमेटिक वैक्यूम एसोसिएटेड कलेक्शन सिस्टम ठीक है दी यूज टू डील विदेन थाउजेंड टन ऑफ रबिश एवरी डे ठीक है फिर है बीच वेस्ट कॉम्बिनेशन बीच प्लस वेस्ट It is not good. Okay. and some area are the coming up with the innovative ways to keep their beaches clean. A coastal city they using the recycling vending machine and reduce their the plastic, glass, metal packing. Installed with the support of Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment to reduce the solid municipal waste. प्रोड्यूस माई होटल ऑन बीच सो दैट दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट इज एंटर्ड इन सी फिर है बायोवेस्ट सो टूरिस्ट जो कि हॉलीडेज की ओर जाते हैं दे हैव द लिमिटेड असेस टू कुकिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी सो दे प्रोड्यूस द लॉट्स ऑफ फूड वेस्ट एंड द बायो वेस्ट इज ए मेन बैरियर टू अचीविंग ए सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट ठीक बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं थर्टी थर्टी फाइव वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। द सेलेक्टिव कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन द टूरिस्ट एरिया इट इज प्रोजेक्टेड ठीक है एंड मैनेज द बायो वेस्ट ठीक है जैसे चाहे वो घर के हाउस होल्ड हो, हो या एक टूरिस्ट एक हॉट स्पॉट प्लेस हो ठीक है होटल हो या रेस्टोरेंट हो इन एरिया से इनको कलेक्ट किया जाता है ठीक है और फिर उनको प्रोसेस के लिए या मैनेज के लिए भेजा जाता है कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इसके लिए कई कानून भी बन गए हैं ठीक है तो आ, ऐसी बहुत सी ऐसी जगह जहां ऐसी आ, कानून बन गए हैं कि आप ऐसी चीजों को वेस्ट मटेरियल को आप थ्रो नहीं कर सकते हो ठीक है इंडिया में भी इस तरह के काम होने लगे हैं कि इंडिया में भी अंडरग्राउंड सीएज प्लांट सिस्टम डेवलप हो गए हैं और जिसकी वजह से यहां पर भी आ, ऐसे वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा रहा है एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं आप जैसे कि धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है वो भी एक ऐसे एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं ठीक है और बहुत ज्यादा वहां पे पॉल्यूशन क्रिएट होता है अप्रोक्सीमेट फोर्टीन थाउजेंड पर डे वहाँ पे सॉलिड वेस्ट जो है वो पे प्रोड्यूस होता है ठीक है तो वहां की जो म्यूनिसपल कॉरपोरेशन है उन लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कैंपेन कैंपेन स्टार्ट किया है डोर टू तो डोर कलेक्शन ऑफ गार्बेज और उनको फिर अलग अलग उनने पिट बना रखे हैं जो कि वेरियस पार्ट में धर्मशाला के और वहां पर उनको थ्रो किया जाता है और उसके बाद उनको कन्वर्ट किया जाता है फर्टिलाइजर्स के जैसे तो सेग्रीगेशन करना मटेरियल का कलेक्शन करना और अगर पॉसिबल हो तो रिड्यूस करना अगर रीयूज हो सकता है तो रीयूज करना या रिसाइकिल की ओर जाना और ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजेबल तो ये इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट पार्ट है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का होपफुली यू अंडरस्टैंड थैंक यू